अगले कॉलर हैं हमारे साथ संतोष जी दिल्ली से, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम। हकीम जी नमस्कार। जय हिंद, स्वागत संतोष जी। कल मेरा कॉल मिल गया था जी, मैं अपनी पूरी बात नहीं कर पाई, फोन कट गया था मेरा। तो आज मेरे 3-4 सवाल है, वो सारे पूछने, मेरे को बहुत रोग है जी। मैंने कल कमर दर्द और पैरों में जलन की बताई थी, उसके बाद मेरे को बहुत पुरानी कब्ज है। मैं दवाई लेती हूँ लेकिन फिर से हो जाती है रोज रोज, और गैस बहुत ज्यादा बनती है, और गुदे में दुखी बवासीर है, ठीक है। और उसके बाद पैरों में ऑपरेशन के बाद पैरों में जलन है, और मेरे पैर नीचे से टखने से नीचे सुन सुनपना सा महसूस होता है मुझे, और टखने के नीचे पैरों में तलवों में पिंडियों में बहुत ज्यादा जलन। मैं सलवार भी नहीं ढुका सकती इसके ऊपर, सोचती हूँ कि ये पैर छिल रहे हैं, जैसे चप्पल जूते नहीं पहन पाई पूरी सर्दियों में मैं। और जी मेरे ये जलन और पैरों में सुनपना तब से है, ऑपरेशन के बाद मेरे इन्फेक्शन हो गया था और वो 3 महीने में ठीक हुआ, उसके बाद से हुआ है जी ये सब। डॉक्टर कहते हैं कि पैरों में फ्लो कम है, घुटने से नीचे फ्लो कम है, ये बता रहे हैं डॉक्टर। अच्छा, आपने कोई नुस्खा लिया मेरा बताया हुआ? हाँ जी, ये मैंने आप बता रहे हो ना गोंद किया, ये लेने शुरू किया है अभी 5-7 दिन से, मेरे ज्यादा दर्द हो रहा है जी उससे। ठीक है ठीक है जी। हाँ देखिए, जो दर्द हो रहा है आपको और ज्यादा हुआ है, ये निशानी है कि जो आप गौंसिया ले रहे हैं वो काम कर रहा है। मैंने पहले भी ये बात कई बार कही है कि ये गौंसिया लेने वालों को 98% यानी 98% लोगों का दर्द कम होता जाता है, और 2% लोगों का दर्द बढ़ता है फिर कम होता है। तो आपका दर्द बढ़ा है, फिक्र ना करें, लेकिन आप 5 दिन तक दर्द की दवा साथ में लें। जो भी दर्द की दवा आपका फैमिली डॉक्टर आपके लिए सजेस्ट करे, भारी दवा लीजिए, कोई तेज़ दवा 5 दिन तक इसके साथ में लीजिए, ठीक है। अब पेट की तकलीफ, एसिडिटी और बवासीर, एक तो सबसे पहले आप मेडिकल स्टोर से आज ही ले लीजिए अरंडी का तेल, कैस्ट्रोल ऑयल के नाम से मिलता है, सब मेडिकल स्टोर पर मिलता है। 1 चम्मच अरंडी का तेल 1 कप गरम दूध में मिलाइए, खूब गरम हो, उसे चुस्कियाँ लेकर पी लीजिए, गरम गरम पी लीजिए। ये दिन में 1 बार कम से कम, या बहुत ही प्रॉब्लम है तो 2 बार ले सकते हैं, सुबह शाम कभी भी, खाने से पहले खाने के बाद ये लेना शुरू कर दीजिए। और ठीक 5 दिन बाद आपको दर्द कम होता जाएगा, ऐसा हमारा अनुभव है। तो 5 दिन तक दर्द की दवा लें, ये रोके नहीं, और बहुत जल्द आपकी कॉल आनी चाहिए कि आपको पूरी तरह फ़ायदा हो गया। बस 2 बातों का ख्याल रखें, वेस्टर्न टॉयलेट यानी कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करें, झाड़ू पोछा बिल्कुल ना करें, वज़न बिल्कुल ना उठाएं, कुछ दिन बस किचन में काम कर सकते हैं आप, जो भी ज़रूरी खड़े खड़े जो किचन होता है ना उस पर काम कर सकते हैं, भगवान से मदद मांगे तो आपका ठीक होना मुमकिन है जी। लखनऊ से हैं आफरीन, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसी हैं मैम आप? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज बहुत अच्छी लग रही मैम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। देख लीजिए साड़ी पहनना शुरू कर दिया। नहीं, हम आपकी भी कर रहे हैं, आप तो हमेशा ही अच्छे लगते हैं, आपकी तो तारीफ जितनी की जाए उतनी कम। बिल्कुल, आप तो हमेशा ही अच्छे लगते हैं जी। हेलो जी, जी फरमाइए जी।
हकीम शैलजा मैम, हम आपके लिए भी बहुत दुआ करते हैं, हकीम साहब हम आपके लिए भी करते हैं, आपके व्यूअर्स के लिए भी दुआ करते हैं। बस जहे नसीब, जहे नसीब, सलामत रहे, हम भी आपके लिए दुआ करते हैं जी। शैलजा को तो देखा नहीं दुआ करते मैंने कभी, लेकिन मैं तो करता ही। हेलो जी जी, हाँ तो मैं हम आप मतलब आप सबके लिए दुआ करते हैं। और आपका एक शेर है कि सब मैं समझता था अपने जख्मों को ला इलाज, मुझे क्या पता दुआ भी होती है। ठीक है, लेकिन हमें लगता है हम पर सब दुआ डबल से लगता है, बेअसर की लगती, समझ नहीं आता कि सब की क्या है। बस आपसे दुआ की दरख्वास्त है कि आप हमारे नाम से खास दुआ कर दीजिए। और एक छोटा सा शेर कहना चाहते हैं जी। जुबा से तो हर कोई कह देता है कि खुश रहो, बात तो तब बनती है जब कोई दिल से कहे। बिल्कुल, वाकई ये दुआ का ताल्लुक जो है वो दुआ क्या है, हमदर्दी होती है। जैसे आप कहीं भी रहें लेकिन आपके लिए अपने बच्चे के लिए हर वक्त दुआ गो रहते हैं, चाहे मुंह से ना कहें। और बस यही रहता है एक माँ के लिए, पता नहीं खाना कैसा मिला होगा, खाना खाया होगा नहीं खाया होगा। तो जो भी जिससे हमदर्दी रखता है उसके बारे में यही ख्याल होता है। अगर आपको मुझसे या मुझे आपसे हमदर्दी हो जाए तो दो बातें होती हैं, एक तो उसका ख्याल बार बार आता है और एक उसका जिक्र आदमी बार बार करता है। ये हमदर्दी और मोहब्बत की निशानियों में है। तो वो मैंने शेर कहा था जो आपने रिपीट किया, तो वो यूँ था कि मैं लाइलाज समझता था अपने जख्मों को, मैं लाइलाज समझता था अपने जख्मों को, मुझे ये होश कहाँ था दुआ भी होती है। और चलो वो मान गए कि जफा भी होती है, सजाए मौत से बढ़कर सजा भी होती है, मैं लाइलाज समझता था अपने जख्मों को, मुझे ये होश कहाँ था दुआ भी होती। वाकई कुछ काम ऊपर वाले ने ऐसे किए जो होने मुमकिन नहीं थे, कुछ जख्म ऐसे थे जो नासूर बन गए थे मेरी ज़िंदगी में। ये उस रब का, उस भगवान का, उस अल्लाह का ही करम है कि उन जख्मों को ऐसा भर दिया कि नासूर कभी ठीक नहीं होते। नासूर कहते ही उस जख्म को हैं जो ठीक नहीं हो सकता, और वो ऐसे ठीक कर दिए कि अक्सर कोई भी जख्म भरता है तो उसका निशान ज़रूर रह जाता है। ये हाल है कि वो उस जख्म का निशान भी नहीं पता कि किस तरफ था, और वो जख्म भी दिल के है। तो वाकई हम दुआ से बहुत कुछ कर सकते हैं, और ये दो चीज़ें दुआ और दवा अगर वाकई एक साथ काम करने लगें तो दुनिया का कोई मर्ज ऐसा नहीं जो अच्छा ना हो सके। बिल्कुल। अगले कॉलर हैं हिसार से, सुनीता जी स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैम। नमस्कार अतीम जी। जय हिंद, स्वागत है आपका बहुत बहुत। मैडम मेरे तीन चार सवाल है मैडम, आप जरा नोट कीजिए मेरे सवाल। बताएं। सर एक गुड़िया है सर, 9 महीने की गुड़िया है सर, वो बार बार बाथरूम कर देती है सर, और ये लोग गाँव में रहते हैं, बार बार मतलब सारी रात 20-20 मिनट बाद वो बाथरूम करती है। एक तो ये प्रॉब्लम है उनकी, और दूसरी ये प्रॉब्लम है सर कि क्या गोमंत चिलगोजा जो यूरिन के लिए आप बताते हैं सर, क्या पानी से ले सकते हैं हम? क्योंकि मेरी गुड़िया सर बाहर पड़ती है तो दूध का वहाँ अवेलेबल थोड़ा सा मुश्किल होता है, वहाँ हॉस्टल में रहती है तो दूध कभी मिलता है कभी नहीं, तो क्या वो पानी से ले सकती है सर? और कितनी बड़ी गुड़िया, कितनी उम्र बताई? हाँ जी, उसकी 21 की उम्र है। और सर जो आपने ये सरसों की खल बताई थी सर, ये मेरी गुड़िया से खेत जब जुए हुई थी सर, थोड़ा सा बाल नहीं आए जैसे, तो वो कितने वो गोल मोरिंगा तो ले रही है सर 2 महीने से, तो ये जो सरसों की खल है ये कितने टाइम पे लगाए और हफ्ते में कितनी बार लगाए ये सरसों की खल?
और चौथा सवाल मेरा सर ये है कि अब मेरी गुड़िया ने जैसे कान बिनवाए थे सर, जो ऊपर वाले कान थे ना चने की बराबर एक थोड़ी सी घूमड़ी सी निकल आई है वो दिखाई देती है, तो वो कैसे ठीक करे सर? और एक तो मेरा सवाल है सर, मैं यूरिन के लिए अपना लेती हूँ अलसी वगैरह, इसमें आप खट्टाई मना करते हैं सर, कि मेरे जैतून का सिरका लेना है, तो ये मैं कैसे लूँ सर, किसके साथ लूँ जैतून का सिरका? बस मेरा ये सवाल है सर। अच्छा, वो बच्ची जो बाथरूम कर देती है उसकी उम्र कितनी है? कोई छोटी बच्ची भी है क्या? 9 महीने। मैम 9 महीने की बताइए। अच्छा देखिए, 9 महीने की बच्ची के लिए हम कुछ नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर वो अपनी माता जी का दूध पीती है तो गौन चिलगोजा एक चुटकी दूध या पानी से उसकी माँ को खिलाइए दिन में एक बार, बस या ज़्यादा 2 बार, एक बार ही पहले शुरू करें। 9 महीने की बच्ची की माँ को देना, ये कभी भी छोटी बच्ची को नहीं देना। तो ये उनकी माँ को दीजिए और माँ खाएंगी और बच्ची को फ़ायदा होगा, ये इसका आयुर्वेद का तरीका है छोटे बच्चों के इलाज का, जो भी बच्चे दूध पीते हैं अपनी माँ का। और वो बच्ची जो हॉस्टल में रहती है 21 साल की, वो अगर चाहे तो पानी से ले सकते हैं, एक बार पानी से भी ले सकते हैं और उनको वही फायदे होंगे जो दूध से लेने पर होते हैं जी। बाल के लिए जो सरसों की खल का जिक्र किया था, तो हफ्ते में कितनी बार लगाना है? अच्छा, रोज़ाना भी लगा सकते हैं अगर, या कभी कभी तो लगाया करिए, रोज़ाना भी लगाया करें तो कोई बात नहीं है। ये जो हमारे स्किन के सुराख कभी बंद हो जाते हैं उसकी वजह, उसको खोलने की ताकत रखती है ये। और गौन मोरिंगा वो ले रहे हैं, थोड़ा इंतज़ार करें, बहुत जल्द नतीजा आना मुमकिन है जी। बच्ची के कान बिंदवाए हैं, कान के ऊपर कुछ निकल गया है, वो गुमड़ी सी कुछ बता रही है। अभी कुछ दिन में वो अपना आप अच्छा हो जाता है, अभी उसके बारे में ज़्यादा सीरियस मत लीजिए। और जब बिल्कुल सब कुछ सूख जाएगा तो नहाते धोते मुंह धोते, ये जो गुमड़ी सी है ये अपने आप पंक्चर होगी, या हाथ से दबाकर उसको निकाल देंगे और वो नॉर्मल हो सकता है, अभी थोड़ा दिन इंतज़ार करें जी। अपने लिए इनका सवाल था, यूरिन के लिए अलसी वाला नुस्खा ले रही हैं, जैतून का सिरका जो है वो किसके साथ लिया जा सकता है? जैतून का सिरका आप अकेले भी ले सकते हैं, जैतून का सिरका आप अदरक लहसुन और नींबू के रस बराबर बराबर वजन में मिलाकर भी ले सकते हैं, जैतून का सिरका सालन में मिलाकर भी ले सकते हैं, आप दिन में एक बार या 2 बार लिया करें और फ़ायदा उठाएं।